पिछले 5 दिनों से मुसलसल बारिश हो रही है और बारिश को लेकर हैदराबाद के अंदर जो है कई ऐसे सेक्टर्स हैं जो कंप्लीट बारिश के अंदर डूब चुके हैं। उसमें से एक महेश्वरम असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एक उस्मान नगर, सैफ नगर, नबील नगर, इस तरह के जो भी ये बुरान चेरू के आजू बाजू है, फिरंगी नाले के आजू बाजू के तमाम लोग जो है ये लोग कम्प्लीटली डूब चुके हैं। पिछले 5 दिन से वो लोग के लिए खाने को खाना नहीं है, वो लोग ना घर के बाहर निकल सक रहे हैं, ना अपने बच्चों के लिए दूध लेके आने के लिए बाहर आ सक रहे हैं। ऐसे हालात के अंदर यहाँ के जो लोकल एमएलए है वो टीआरएस पार्टी से रिलेटेड है, और वो एमएलए नहीं बल्कि एक मिनिस्टर भी है, यहाँ के वोट लेकर वो मिनिस्टर बन चुके हैं। लेकिन हमारे केटीआर साहब तो जो है ना ट्विटर पे इतने मशरूफ है, और ट्विटर पे ये बोलते हैं कि ट्विटर पे ये बताते हैं कि जो है हैदराबाद इतना खूबसूरत है, केबल ब्रिज बताते हैं और नेकलेस रोड बताते हैं, और ये बता के ये बोलते हैं कि जो है ना हैदराबाद बहुत ही खूबसूरत है। केटीआर साहब, आपको जमीन पे उतर के आपको उस्मान नगर आना होगा, आपको महेश्वरम असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आना होगा, क्योंकि यहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसी से भी आपको वोट दिया गया है, और यहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसी से आपके मिनिस्टर है जो बिल्कुल पावरफुल मिनिस्टर है, एक एजुकेशन मिनिस्टर है, वो ये कहते हैं कि जो है अब 2 फीट पानी है, इसको 6 फीट आने दो, उसके बाद मैं आपको आप आगे कुछ कर सकती हूँ। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जो 2 फीट में सस्टेन नहीं कर सक रहे, वो 6 फीट होने के बाद 6 और या 2 8 फीट हो जाते, 8 फीट में किस तरह से सस्टेन करेंगे? ऐसे हालात के अंदर इरीगेशन डिपार्टमेंट क्या कर रही, आपके पास रिलीफ डिपार्टमेंट क्या कर रहा, आपका डिजास्टर मैनेजमेंट क्या कर रहा? हैदराबाद के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट को कई अवार्ड्स मिल चुके हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट क्यों नहीं आ रहा? यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट को क्यों नहीं बुला रहे, रिलीफ डिपार्टमेंट को क्यों नहीं बुला रहे, म्यूनसिपल वाले यहाँ आके क्यों इनका प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे? इसलिए कि यहाँ पे गरीब लोग रहते, ये लोग कुछ नहीं, सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल होते। ये लोग की जब तकलीफ आती ना तो ये लोग को कोई साथ देने नहीं आता। अभी जो बाजू जो बुरान चिरू के उधर बाजू के जो लोग हैं वो लोग पैसे वाले लोग हैं, वो लोग जो है ना इलेक्शन के टाइम पे फंड्स देते, वैसे लोगों को पानी नहीं जाना, ये लोग पानी में डूबना, उनको बचाने के लिए आप गरीब को मार दे रहे हैं, तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। ये जो है ना सरासर जो है ना एक गरीब आवाम के लिए जुल्म है। इलेक्शन के सामने आके 2 हाथ जोड़ के वोट ले रहे, लेकिन जब इलेक्शन हो जा रहा तो अब जो है आप जब इनको मदद करने का टाइम आ रहा तो कोई मदद के लिए तैयार नहीं हो रहा। 5 दिन से कई एक जोड़े के ऊपर जो है ना मासूम बच्चे, बूढ़े, बड़े सब पड़े हुए हैं, कोई रिलीफ डिपार्टमेंट यहाँ पे नहीं आया, कोई डिजास्टर की टीम यहाँ पे नहीं आई। एक सरासर टीआरएस गवर्नमेंट का फेल्यूर है। केटीआर साहब, आप ट्विटर पे बैठ के हैदराबाद को खूबसूरत मत बताइए, अगर वाकई हैदराबाद खूबसूरत है तो वो हाईटेक सिटी में नहीं बल्कि जो है यहाँ पे उस्मान नगर के तालाब के अंदर खूबसूरत है। तो इसीलिए बताइए, यही हैदराबाद की सच्चाई है। अगर आप हैदराबाद को ब्यूटीफुल बनाना चाह रहे हैं, तेलंगाना को बंगारू तेलंगाना बनाना चाह रहे हैं, तो ये गरीब लोगों की मदद करिए, ये लोगों को जो है ना उठाइए, ये लोग की मुश्किलों को सॉल्व करिए। ये एक नहीं, 6 साल हो चुका है ये गवर्नमेंट को आके, ये एक बार नहीं आया, पिछले 6 सालों से रेगुलर ये बारिश होती जा रही है, रेगुलर जो है इस तरह के हर बारिश के अंदर ये प्रॉब्लम होते जा रहा। क्यों आपको आंखों को नहीं दिख रहा? आपके एमएलए पिछले 15 साल से या 10 साल से यहाँ पे आपके एमएलए, उसके बावजूद भी कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा। इसका मतलब आप गरीब लोगों की तरफ नहीं देखना चाह रहे, आप सिर्फ फार्म हाउस के अंदर बैठ के अपनी अमीरी को सेट करने के लिए, अपने कमीशनों को सेट करने के लिए, अपनी दौलत को सेफ करने का काम कर रहे हैं। केसीआर साहब, थोड़ी तरफ गरीबों की तरफ भी नजर करिए। ये इलेक्शन ऐसा नहीं कि 2014 के बाद 2018 में इलेक्शन आया, फिर 2023 में भी फिर इलेक्शन आने वाला है। जब आप जब यहाँ आएंगे ना तो ये लोग आपको मार के बाहर भिजा देंगे। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपको, अगर आपको 2023 में फिर दोबारा वोट चाहिए तो ये इनके लिए काम करिए, ये लोग के लिए काम करिए। ये गरीब लोग है, ये लोग आपको वोट डाल के जिताए सोए, आज आपके टीआरएस के मिनिस्टर है तो ये लोग वोटरों की वजह से है। तो इमीडिएटली जो है आप डिपार्टमेंट को भिजाइए, इरीगेशन डिपार्टमेंट को भिजाइए। बालापुर के अंदर कई ऐसे डिपार्टमेंट, कई जगह जो है ना मिशन काकतिया की तरफ से कई ऐसे तालाबों को डेवलप किया गया, क्यों उस्मान नगर के तालाब को डेवलप नहीं किया गया? यहाँ पे क्यों डेवलप नहीं हुआ? ये डेवलप अगर होता तो ये पानी का जो मामला जो है वो दूसरी जगह हट जाता था। जो फिरंगी नाले को क्लियर करने का है, बाजू का दरवाजा खोलने का है, आप अमीर के घर में पानी जला वाले गरीब के घर में पानी डूबने दो बोल के छोड़ दिए। मिनिस्टर साहब खुले लफ्ज में बोल रहे आके, मैं क्या कर सकती हूँ, बोलो आप क्या करना है? ऐसा मिनिस्टर साहब अपनी जिम्मेदारी से मत भागिए, आपको इनके प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा, जब तक कांग्रेस पार्टी जो है ना आपको सीधे तरीके से घर में बैठने नहीं देगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जलपल्ली म्युनिसिपल उस्मान नगर के एरिया में बारिश का पानी आने की वजह से तालाब फुल हो चुका है, वहाँ पर कुछ मकानात भी पानी में आए हुए हैं। हम लोग मुसलसल तीन दिन से वहाँ पर जा रहे हैं, जाकर वहाँ पर पूरा दौरा कर रहे हैं, वहाँ की पब्लिक की क्या परेशानी है हम लोग देख रहे हैं। वहाँ पर हमारे एजुकेशन मिनिस्टर पी सबिता इंद्राडी जी ने 2010 में ऑलरेडी वहाँ पर पानी भरने की वजह से वहाँ पर पूरा कट्टा डाला था, और उस्मान नगर की आवाम
एक हमारी फैमिली मेंबर्स के हिसाब में कभी भी अच्छा बुरा है उन लोग के लिए, हम लोग आधी रात को ठहरे हुए रहते हैं। दो दिन पहले रात में मैडम भी जो है ना ऐसा पानी आ गया बोलते ही रात में मैडम नाइट में आकर वहाँ का पूरा दौरा करके गए। फिर दूसरे दिन भी आए, पूरे ऑफिसर्स के साथ में आकर पूरा दौरा किया, कहाँ से क्या करना है क्योंकि आवाम परेशान है। तो वहाँ की आवाम हमारी फैमिली मेंबर्स के ऐसा है, तो पूरी कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि उस पानी को किस तरीके से क्या करना है। और वहाँ की आवाम भी जानती है, कुछ लोग आकर वहाँ पर सियासत कर रहे हैं वो भी आवाम जानती है, सिर्फ फ़ोटो फिनिशिंग के लिए आकर वहाँ पर तमाशा कर रहे हैं, वो लोग कुछ कर नहीं सकते। और यहाँ पे मैडम सविता इंदिरा रेड्डी जी ने 2010 में जैसा उन्होंने कट्टा डाले थे उसी तरीके से अभी भी उन्हों ही कुछ कर सकते। और हमारे ये तमाम उस्मान नगर के लोगों से भी मेरी अपील है, ऐसे तमाशा देखने वाले लोग बहुत सारे आएंगे आप लोगों के पास, लेकिन आप लोगों के बातों में मत जाइए, आप हमारी फैमिली मेंबर्स के तरह आए। आप कभी भी आधी रात को हमारे पास मिलने के लिए भी आ सकते हैं, हम भी आधी रात को आपके साथ में रहते हैं। मैं यही अदबन गुजारिश करना चाह रहा हूँ उस्मान नगर की आवाम से, अपील करना चाह रहा हूँ, मैडम सविता इंदिरा रेड्डी जी का यहाँ पर पूरी नज़र है, वहाँ पर क्या क्या करना है, वहाँ पर क्या तकलीफ़ है सब कुछ मालूम है हम लोग को। हमारे चेयरमैन अब्दुल्ला सादी साहब भी वहाँ का दौरा कर रहे हैं मुसलसल, डेली 3 दिन से कंटिन्यू जा रहे हैं वहाँ पर भी, जो भी मदद खाना वगैरह जो भी है वो लोग को दे रहे हैं बराबर। वहाँ पर काउंसलर वहाँ के मज़र अली साहब है, उन्हों भी देख रहे हैं। हमारे मैडम सविता इंदिरा रेड्डी जी ने भी 2 बार आकर दौरा किया है पूरे ऑफिसर्स के साथ, ऑफिसर्स को भी हिदायत दिए हैं कि पूरा वहाँ पर केयरफुल रही है बोलकर। मैं अदबन गुजारिश करना चाहता हूँ कि आवाम को वहाँ की आप लोग के तकलीफ के साथ में हम लोग ठहरे हुए हैं, और कोई दूसरे ये शोपटअप के लीडर्स बहुत सारे आएंगे आप लोगों के दरमियान में, ये लोग को आप जान सकते हैं ये लोग क्या कर सकते हैं। वहाँ का जो भी है तकलीफ आप लोगों की, हम आपके तकलीफ में साथ है आपके हमेशा और साथ रहेंगे इंशाल्लाह। जिस तरीके से 2010 में मैडम सविता इंदिरा रेड्डी जी ने इरीगेशन वालों को लेकर वहाँ का जो काम किया था, अभी भी वो लोगों से बात कर रहे हैं इरीगेशन डिपार्टमेंट से पूरा, क्योंकि वहाँ का पानी किस तरीके से निकालना है क्या करना है। और इंशाल्लाह ताला हमारे चेयरमैन अब्दुल्ला सादी और प्रवीण कुमार साहब कमिश्नर साहब सभी लोग जो है ना खाने का इंतज़ाम भी कर रहे हैं वहाँ पर, फूड पैकेज सुबह मॉर्निंग दे रहे हैं वो लोगों को आवाम को। और मैं इसी के साथ वहाँ पर और भी मैडम हमारे रिवेन्यू मीटिंग कर वहाँ पर किस तरीके से क्या करना है वो बराबर जो है ना काम कराएंगे, पानी का कैसा मसला है वो देख रहे हैं और किस तरीके से निकालना है उसको, वो भी इंशाल्लाह ज़रूर पूरा काम करेंगे इंशाल्लाह। और एक चीज देखने में आ रहा है कि कई लोगों ने वहाँ पर मकानात खाली नहीं किए हैं जी, और वो करना भी नहीं चाहते, तो ऐसे लोगों के ऊपर आप क्या करेंगे? हमारी अदबन रिक्वेस्ट है वो लोगों से, क्योंकि फिलहाल पानी का ज़्यादा प्रेशर पानी बढ़ते जा रहा है वहाँ पर, वो लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हम वहाँ पर जब भी जा रहे हैं उन लोगों को ताकीद दे रहे हैं कि भाई आप लोग जो है ना पिंक पैलेस फंक्शन हॉल में हम लोग आप लोगों के लिए इंतज़ाम कर रहे हैं, आप लोग वहाँ पर आकर रह सकते हैं, जो भी जिसके भी घरों में पानी आ रहा है और जो घरों में नहीं भी आया वहाँ भी आ सकता, तो हम उसीलिए वो लोग को पहले का पहले जो है ना जलपल्ली म्युनिसिपल के तरफ से हमारे चेयरमैन अब्दुल्ला सादी साहब, हमारे कमिश्नर प्रवीण कुमार साहब और हमारे मैडम सविता इंदिरा रेड्डी जी के जानिब से भी हम लोग सब मिलकर पूरे काउंसलर्स चेयरमैन कमिश्नर सब मिलकर वहाँ पर एक मुहिम चला रहे हैं कि वहाँ के लोगों को इधर शिफ्ट करने के लिए पिंक पैलेस में। इंशाल्लाह ताला वहाँ की आवाम भी हमारे साथ है, हम ज़रूर उनके साथ रहेंगे, उनके जो जो भी उन लोगों का मुतालिबा है उसके साथ हम ठहरेंगे बराबर। After 10 years of successfully spreading education and carving a niche for itself, Success Junior College proudly introducing Success Degree College for Women, affiliated to Osmania University, a place where you can engage your passion with respect and encouragement. Dedicated counselors and accessible educators who have an unparalleled reputation for balancing excellence and dedication in their field are here to guide you along the way. Fully furnished and spacious, sanitized AC classrooms. Hygienic and safe environment as per the government's norms. Well-equipped labs and spacious library. Courses offered: BSc Nutrition, BSc BZC, BSc MPCS, BBA, BCom Computers, BCom General. Hurry up! Admissions are open. Success Degree College for Women, IS Southern, X Roads, Santosh Nagar, Hyderabad.